नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निधि आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफ स्टाइल चैनल पे दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना इसे आप 10 साल के बच्चों को भी लगा सकते हैं 90 साल के बुजुर्ग को भी लगा सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आपके अगर वाइट हेयर्स अभी जस्ट आना स्टार्ट हुए हैं ना तब तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों हमें लेना है लोहे का वेसल कोई भी आयरन का वेसल ले लें आप ले 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 और यहाँ पे डालना है दो चम्मच इतना हल्दी पाउडर हर घर में हर किचन में अवेलेबल होता है दोस्तों हल्दी जो है ना ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे बालों को मजबूत तो बनाता ही बनाता है साथ ही साथ बालों को जड़ से काला बनाने में हेल्प करता है तो वो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तो ये जो हल्दी का जो पीला कलर है ना ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा एक से डेढ़ मिनट के अंदर उसके बाद यहाँ पे एक पाउडर और ऐड करना है वीडियो पे बने रहिएगा वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा ना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तो इसे आपको रोस्ट करते रहना है नहीं तो ये एक साइड से ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा तो हमें यूनिफॉर्मली इसे डार्क ब्राउन करना है और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसे हमें जलाना नहीं है तो बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा बिल्कुल चेंज हो चुका है अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और यहाँ पे जो मैं पाउडर ऐड करने वाली हूँ ना ये है सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर दालचीनी हमारे गरम मसाला में ज़रूर अवेलेबल होता है तो उसे आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और जब हल्दी और दालचीनी पाउडर दोनों एक साथ हम मिक्स करके अगर उसे यूज़ करेंगे ना तो हमारे बाल लंबे घने काले और मजबूत होंगे तो दोस्तों इन्हें अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है अभी हमारी कढ़ाई जो है वो काफ़ी गर्म है तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ तेल तो यहाँ पे ऑप्शन है अगर आप कोकोनट ऑयल चाहें तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ओलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या सरसों का तेल जैसे कि मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ जो भी आप डेली यूज़ में अप्लाई करते हैं ना अपने बालों पे बस वही आपको यहाँ पे डाल देना है इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके आपको ओवरनाइट इसे छोड़ देना है और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो किसी भी कंटेनर में किसी भी ग्लास की जार में इसे बना के ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और हेयर रूट्स पे अच्छी तरह से आप कॉटन बॉल से या अपने फिंगर टिप से मसाज करते हुए इसे अप्लाई करें नहाने से एक घंटे पहले इसे अप्लाई कर लेना है एक घंटे के लिए रहने देना है फिर केवल और केवल नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है नेक्स्ट डे आप शैम्पू शा, कीजिएगा हफ्ते में दो बार ज़रूर लगाइएगा थैंक यू हैव हैवे नाइस डे